शिव और नटराज में शिवा का पुत्र होने के नाते मैं तो जन्मजात कलाकार ही हूँ। प्रभु, यह किसी भी संगति का प्रभाव नहीं है, परंतु देवर्षि नारद ने कैलाश से गणेश लोक में हमें उल्हाना दिया कि हम कैलाश न आकर अपने माता पिता की भक्ति से विमुख हो रहे हैं। इसी आरोप को असत्य साबित करने के लिए हम तीनों यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। स्वीकार नहीं, जब तुमने हमें कुछ समर्पित किया है तो हमें उसे स्वीकार करना ही है। हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? परंतु यदि यह फल यहां रहा तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हम इसे किसी को प्रदान कर देंगे। हमारा पुत्र और पुत्र वधुएं यहां उपस्थित हैं स्वामी, यह फल इन्हीं को प्रदान कर दें। इतने समय के पश्चात ये तीनों आए हैं, आशीर्वाद स्वरूप इन्हें हमें कुछ तो देना ही होगा। नहीं देती, इसके लिए हमें ब्रह्मा जी से परामर्श लेना होगा। इस फल की विचित्रताएं हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। अब हमें आज्ञा दे प्रभु, पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। तुमसे हमारे कोई भी मन की बात छिपी हुई नहीं है पुत्र गणेश, हम जब भी तुम्हें स्मरण करें तुम उपस्थित हो जाया करो। माता की आज्ञा मानने से ही पुत्र के सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए आपकी यह आज्ञा मैं अवश्य मानूंगा। ये बोले, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। आपके चरणों में फल समर्पित कर अब मैं भी मुक्त हो गया। नारायण नारायण। इस फल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तुम जो भी दृश्य देखना चाहोगे वही तुम्हें दिखाई देगा। तुम इसी समय ब्रह्मदेव का स्मरण करके उन्हें कैलाश आमंत्रित करो। ब्रह्मदेव, आज्ञा महादेव। भगवान भोलेनाथ आपको कैलाश आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं शीघ्र उपस्थित हुआ महादेव। हम आपसे इस दिव्य फल के विषय में परामर्श चाहते हैं। नारद द्वारा पारिजात वृक्ष से तोड़ा गया यह फल समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यही उत्तम होगा महादेव कि आप इसे कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दें। उनके लिए दिव्य फल का सबसे बड़ा उपयोग यही होगा। वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास बैठे बैठे नित्य अपने माता पिता के दर्शन करते रहे। सत्य तो यह है कि इस दिव्य फल की आवश्यकता उन्हें ही है। मैं निरंतर आप दोनों से मिलने के लिए व्यग्र रहते हैं, किंतु अपने भक्त जन को छोड़कर यहाँ नहीं आते। यह आपने अति उत्तम परामर्श दिया है ब्रह्मदेव। हम इसी समय कार्तिकेय को यहाँ बुलाकर यह दिव्य फल उसे प्रदान करेंगे। आज्ञा माता।
देख रही हूँ रोनू, विधाता की माँ।